हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फूडी नमस्ते पे। तो चलिए आज मैं क्या रेसिपी लेके आई हूँ आपको बता देती हूँ। आज व्रत की रेसिपी है और थोड़ी सी अलग डिफरेंट टाइप की है। साबूदाना मैंने भिगो के रखा था दोपहर में, तो 4-5 घंटे साबूदाना फूल गया। ये साबूदाना नहीं बल्कि मोती दाना इसे कहते हैं। ये मार्केट में कहने पर आपको मिलेगा। अब कुछ सामान देख लीजिए। धनिया है कटा हुआ, गाजर कटा हुआ है बारीक, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, मूंगफली के दाने हैं तले हुए, और ये उबले आलू छोटे पीसेस में कटे हुए, और ये हाफ नींबू। तो ये सारी सामग्री मैंने आपको बता दी है। सेंधा नमक भी लिया है, जीरा लिया है। चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में अब हमको डालना है देसी घी। आप देसी घी भी ले सकते हैं और इसकी जगह कोई ऑयल भी व्रत वाला ले सकते हैं, और ये बिना व्रत के भी रेसिपी बनाई जा सकती है, बहुत ही अच्छी लगती है। अब घी को गर्म होने देंगे। अब इसमें जीरा डालेंगे आधा चम्मच। जीरे को तड़कने देंगे। अब इसमें कटी हुई बारीक हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च भुन जाने के बाद अब हम इसमें अपनी कटी हुई गाजर को डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। दोस्तों, ये वेजिटेबल खिचड़ी है। आज तक आपने बहुत तरह की खिचड़ी यूट्यूब पे देखी होगी और लोगों ने ही आपसे शेयर की होगी, बट ये थोड़ी सी अलग है। इसमें मैंने वेजिटेबल्स ऐड की हैं। ये हेल्दी भी है और व्रत की तो है ही। तो चलिए आगे चलते हैं। शिमला मिर्च के पीसेस को डाल देंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। दोनों चीज़ अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 मिनट तक लगभग हमको फ्राई करना है। इसके बाद अब आगे स्टेप पे चलते हैं। अब हमें लेने हैं अपने बॉयल्ड किए हुए कटे हुए आलू। इनको पहले से मैंने बॉयल करके कट करके फ्रिज में रखा था, जिससे इनकी स्लाइस बनी रहे, वरना आलू मैशी मैशी हो जाता है। तो इनको भी आप इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से हमको भूनना है। अब इसको थोड़ी देर के लिए पैन को ढक देंगे। अब ये सब्ज़ी स्टीम में थोड़ी सी पक जाए तब हम खोल कर देखते हैं। थोड़ी सब्ज़ियाँ हमारी पक चुकी हैं। एक बार फिर अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम अपना साबूदाना लेंगे और धीरे धीरे करके इसमें ऐड करते जाएंगे। साबूदाने में पानी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पानी इसका निकाल के छलनी में करके रख दिया था, जिससे उसका सारा पानी निकल गया था। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। गैस को धीमा ही रखेंगे, वरना नीचे चिपक भी सकती है। अब धीरे धीरे फ्राई करते हुए हम इसको चलाते रहेंगे, जब तक सब्जियां अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। ये दाना हमको देखना पड़ेगा, जब तक ट्रांसपेरेंट ना होने लगे तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। अगर हमारा दाना ट्रांसपेरेंट हो गया है तो हमारी खिचड़ी पक चुकी है। तो इसको धीमी धीमी आँच पर भूनते रहेंगे। अब इसके बाद सेंधा नमक लेंगे, स्वाद अनुसार डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से चलाएंगे। साबूदाना की खिचड़ी व्रत में भी खाएं, ऐसे भी खाएं, बहुत अच्छी लगती है। अब हाफ लेमन जो हमने लिया था उसका जूस डाल देंगे। इससे दाना खिला खिला रहता है, आपस में दाने चिपकते नहीं हैं। हमारी बहुत ही अच्छी खिली खिली साबूदाने खिचड़ी बनकर तैयार होगी, आप देखिएगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, जिससे उसमें थोड़ी सी स्टीम आ जाए। स्टीम आने से दाना और फूल जाएगा। 2 मिनट बाद हटाकर फिर से इसको चलाएंगे। आप चाहें तो इसमें ऊपर से 1-2 चम्मच और देसी घी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, ये आपकी पसंद है। अब इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब तले हुए मूंगफली के जो दाने थे वो हमने इस पर डाल दिए हैं। आप चाहें तो इन दानों को पीस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है इसलिए मैंने ऐसे ही डाले हैं। इससे क्रंच आता है खिचड़ी खाने में। तो चलिए इसको हम सर्व कर लेंगे प्लेट में। गर्मा गर्म मोती दाना की खिचड़ी बनकर हमारी तैयार हो गई है। इसको आप चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ दही के साथ सर्व किया है। दही के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी नया वीडियो मेरा आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में। 21,000 दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।